तो हेलो, कैसे हो सारे? आप सबका स्वागत है हमारे आज की न्यू वीडियो में। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है यार, मेरे 40,000 सब्सक्राइबर्स के लिए 400 सब्सक्राइबर्स ही बाकी है, मेरे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना। एंड अपनी वीडियो को अपन कर लेते हैं स्टार्ट। एंड आज की वीडियो यार इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो प्लीज़ एंड तक जरूर से देखना ताकि आपको पूरा कंटेक्स्ट समझ आ जाए कि चीज़ें क्या हुई है, ताकि कोई हेट स्प्रेड ना हो पाए, कि आधी इन्फॉर्मेशन के साथ कोई बंदा हेट स्प्रेड करने लग जाए, ऐसा ना हो। इसके लिए वीडियो प्लीज़ एंड तक जरूर से देखना। एंड चलो आपको बता देता हूँ कि अब बेसिकली हुआ क्या, पूरा एक्सप्लेन करने का आपको ट्राई करता हूँ। तो कल एक स्पेस कंडक्ट हुआ था जिसके अंदर गोल्डी भाई थे, स्काउट थे एंड कम्युनिटी के दूसरे मॉड्स थे एंड और भी बहुत सारे लोग थे जिनको क्वेश्चंस थे सोल एंड टीएस के रिगार्डिंग। समझो मुझे कुछ टीएस के रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि टीएस के अंदर अभी क्या चीज़ें चल रही है, तो मैं भी उस स्पेस के अंदर था, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं था नहीं स्पेस के अंदर एंड मैं भी क्वेश्चन पूछ सकता था स्काउट एंड गोल्डी भाई से। एंड स्काउट एंड गोल्डी भाई इसी टाइप के क्वेश्चन का रिप्लाई कर भी रहे थे। एंड ऑलमोस्ट 3 घंटे का स्पेस कंडक्ट हुआ था एंड 2 घंटे 15 मिनट तक सब चीज़ें सही चल रही थी, मतलब एकदम स्मूथ हेल्दी डिस्कशन चल रहा था। लेकिन फिर गोल्डी भाई एकदम से ये बोलते कि उनको एक बंदे का ट्वीट आया, मतलब उनके फीड में एक ट्वीट आया है जिसका नाम था, जिस आईडी का नाम था फक हेटर्स। एंड उस बंदे ने ऐसा एक समरी डाला कि स्पेस के अंदर क्या कंडक्ट हुआ है। तो गोल्डी भाई का सबसे पहले यहाँ पर कहना ये था कि अभी तक तो स्पेस खत्म ही नहीं हुआ है, तो अगर तेरे को समरी डालनी है तो स्पेस खत्म होने तक रुक। तो स्पेस पर बैठ के पूरी बातें सुन रहा है, उसके बाद कुछ तो भी उल्टा सा समरी डाल रहा है अपने फॉलोवर्स के लिए। बेसिकली 2-3 हज़ार की कम्युनिटी बनी हुई है उस बंदे की, ऐसा गोल्डी भाई का कहना। तो उस बंदे ने समरी में यहाँ पर ऐसा लिख रखा था कि जो फाउंडर्स एंड जो टीम ओनर्स है वो मतलब अपने फैंस को स्लेव टाइप का समझते, पेट्स टाइप का समझते, मतलब गुलाम समझते, कुत्ता बिल्ली टाइप से ट्रीट करते। एंड उनका ये भी कहना था कि जो फैंस उनको क्रॉस क्वेश्चन करने की परमिशन नहीं दी गई है, सिर्फ ओनर्स एंड फाउंडर्स यहाँ पर बात करे जा रहे हैं एंड जो फैंस हैं उनको वापस सिर्फ इसलिए रखा गया ताकि वो चटाई कर सके, मतलब टीम ओनर्स की या फाउंडर्स की, ऐसा टाइप का उस बंदे का कहना था। तो गोल्डी भाई का इस पर रिप्लाई ये था कि जो भी स्पेस के अंदर था उसको पता है कि 2 घंटे से हम क्रॉस क्वेश्चंस ही कर रहे हैं, मतलब लोग हमसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हम उसका रिप्लाई बैक भी कर रहे हैं, तो फालतू में ये जो बंदा है वो हेट स्प्रेड करने का ट्राई कर रहा है। गोल्डी भाई का यहाँ पर ये भी कहना था कि हमने पिछले 2 घंटे से या 2.5 घंटे से सोल एंड टीएस के अलावा किसी थर्ड पार्टी का नाम भी नहीं लिया है, लेकिन जानबूझ के ये बंदा ट्राई कर रहा है गॉडल फैंस को ये दिखाने का कि वो गॉडल मैन का कोई राइट हैंड टाइप है एंड गॉडल फैंस का वो मसीहा है। एंड वो ये दिखाने का ट्राई कर रहा है कि जो हम है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली ट्रोल कर रहे गॉडलाइक को ताकि हेट स्प्रेड हो सके कम्युनिटी के अंदर। एंड अब पर्सनली सच सच बताओ तो मैं इस बंदे को आज तक नहीं जानता था, मेरा कभी इससे पाला पड़ा नहीं एंड शायद आगे पड़ेगा भी नहीं, लेकिन स्काउट एंड गोल्डी भाई एंड कम्युनिटी के दूसरे लोग इसको जानते हैं। एंड स्काउट का ये भी कहना था कि पास्ट में इसने कुछ बिलो द बेल्ट कमेंट भी किए थे। फिर गोल्डी भाई ने ये भी रिवील करा कि जब उन्होंने इसी टाइप का एक स्क्रीनशॉट क्रॉन्टन को भेजा था तो क्रॉन्टन ने बोला था कि कौन है ये एमसी, मतलब गॉडलाइक वालों को भी नहीं पता कि ये बंदा कौन है। एंड फिर आगे चीज़ें ये हुई कि ये जो बंदा ये स्पेस के अंदर भी आ गया एंड फिर स्काउट एंड इस बंदे की पूरी मतलब वर्बल लड़ाई शुरू हो गई। स्काउट को सामने से बोले थे, फिर ये बंदा कुछ बोल रहा था, मतलब इतनी लड़ाई शुरू हो गई थी कि कौन क्या बोल रहा है, घंटा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। एंड गोल्डी भाई का इस चीज़ पर टेक ये था कि वो स्काउट को बार बार बोल रहे थे कि तू गाली मत बक या तू उल्टा सीधा मत बोल, तू अपनी डिग्निटी मेंटेन कर, वो बंदा जो बोल रहा है उसको बोलने दे। लेकिन यहाँ पर लड़ाई बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई थी एंड एक पॉइंट पर चीज़ें ये हो गई थी कि एक दूसरे को बोला जा रहा था कि तू तेरा एड्रेस दे मैं अपना एड्रेस देता हूँ, ऐसे टाइप की चीज़ शुरू हो गई थी। फिर वो बंदा स्पेस से यहाँ पर चला गया। एंड स्काउट का कहना था कि बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो हमें वो फैंस को ट्रीट अच्छे से नहीं करते एंड हम नल्ले जो स्पेस कंडक्ट कर रहे, तो स्काउट ने इस पर रिप्लाई बैक करते हुए ये कहा था एंड अगर हमारे फैंस कुछ नहीं तो उनको रिप्लाई करना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए उन्होंने स्पेस कंडक्ट किया था। एंड सबको पता है कि स्पेस पूरा हेल्दी चल रहा था जब तक ये बंदा नहीं आया तब तक। एंड फिर गोल्डी भाई ने भी इस पूरे चीज़ पर रिप्लाई करा था। एंड यहाँ देखो 3 घंटे की पूरी स्पेस कंडक्ट हुई थी, मैं पूरी स्पेस तो यहाँ पर नहीं दिखा सकता, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट पिन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। एंड गोल्डी भाई ने समराइज करा था इस पूरी चीज़ को, तो उनका जो पूरा रिप्लाई था वो आप देख लो। मेरे को पर्सनली बोलते कहां के मिलना, मैं मिलना दूंगा। स्काउट मेरी बात सुन, एक बात बता, ये तेरा स्टैंडर्ड लेवल है क्या ये सब तू बोल रहा है जो? अरे पर गोल्डी भाई इस बंदे को ऑडासिटी देखो। अरे ऑडासिटी गाइस, मैं पूरी स्पेस कम्युनिटी को, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी में जो हां जाए क्लिप जाएगी, मैं समराइज करता हुआ क्या। हम लोग एक स्पेस सेशन कंडक्ट कर रहे थे जिसमें स्काउट और मैं सोल और टीएक्स फैन की आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर रहे थे और आगे का फ्यूचर कैसे चलाना है हमारी कम्युनिटीज का, हमारे फैन बेसिस का, उसको लेके बातें एड्रेस कर रहे थे। ये भोसड़ी का 3,000 लोग ये कम्युनिटी चलाता है जहां पे ये एक मैसेज डालता है, मैं दिखाता हूं वो मैसेज का है, कहां गया, हां वहां पे ये मैसेज डालता है स्पेस समरी, जो कि हमारे स्पेस की समरी है, उसकी ये समरी बोलता है ओनर्स ट्रीट्स देयर फैंस एज सर्वेंट्स डॉग्स। पहली बात तो ये अपने फैंस को खुश कर रहा है ये बोल के, अपने वो ग्रुप के लोगों को। वन साइडेड ऑर्डर्स, नो क्वेश्चनिंग अलाउड, जबकि यहाँ पे सबसे सिर्फ क्वेश्चनिंग ही हो रही है। एंड पेट्स आर ओनली अलाउड टू लिक देयर एस डिक्राइड देम, मतलब ये बोल रहा है कि हमारे फैंस जो है हमारी चटाई करते हैं और डिक्राइड तुम समझते हो। मैनिपुलेशन एजेंडा टू यूनाइट दीज पेट्स, मतलब हम लोग ये स्पेस इसलिए लाए कि इन पेट्स को एक करने के लिए। पहली बात तो भोसड़ी का बुढ़े, पेट्स नहीं होते, पेट्स नहीं होते तुम्हारे, तुम सौ चटाई करते हो ना जब जाके वहाँ पे, जो तुम्हारा क्रॉन्टन ही बोलता है कौन है मदरचोद, तो उसको चटाई नहीं बोलते, हम इज्जत से बात करते हैं हमारे फैंस को बराबर रखने के लिए, यूनाइट करने के लिए, तो उसके तू बीच में नहीं आएगा। और ये बोलता है कि अगर हमने क्लिप निकाल के दे दी तो
यार मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है, भोसड़ी का क्या क्लिप निकालेगा, पूरे स्पेस स्टेशन में गॉडलाइक का नाम भी नहीं लिया। ये साला हरामी ऐसा है जो कि ये ऐसे लोग हैं जो गॉडलाइक और सोल फैन और पीएक्स फैन में कभी लफड़ा खत्म होने नहीं देंगे लाइफ लॉन्ग। ये फ्रस्ट्रेटेड 30-40 साल का बुड्ढा है, इस पे लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लोन लोन चढ़ा होगा इसके ऊपर मोटा। मैं तुम्हें लिख के देता हूँ क्या है, ये एडिक्ट होगा किसी ना किसी प्रॉब्लम का 100%, या तो एल्कोहलिज्म में होगा या किसी और चीज में होगा। ये लाइफ से अपनी फ्रस्ट्रेशन यहाँ बच्चों के बीच में आके निकालता है। ये जिस तरीके से आया है मोड में, तमीज से बात कर, तमीज से बात कर, इसको जिस कम्युनिटी के लिए कम्युनिटी चला रहा है वहां तो इस पर कोई मुद्दा नहीं। एंड देखो यार, हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन चीज़ें क्लैरिफाई करना जरूरी है। एंड जो आरजी के ओनर है, उन्होंने भी इस पूरी चीज़ पे रिएक्ट किया था। सबसे पहले उन्होंने एक ट्वीट करते हुए यहाँ पर लिखा था कि उनको ये सुनने में आया कि दो टीम ओनर्स एंड फाउंडर्स डिस्गस्टिंग लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं एंड अब्यूज़ कर रहे हैं एक स्पेस के अंदर। एंड उनका ऐसा क्वेश्चन था कि कम्युनिटी कहाँ जा रही है। एंड आगे यहाँ पर उन्होंने लिख रखा था, वन ऑफ देम अ फ्यू डेज बैक वॉज प्रीचिंग हिज बिजनेस सेंस, होप ऑल ऑफ देम हैव सॉर्टेड इट इंटरनली। उनका यहाँ पर ऐसा कहना था कि रिसेंट में हम भी एक कॉन्ट्रोवर्सी के अंदर इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से इंडियन स्पोर्ट्स पर एक नेगेटिव इमेज या नेगेटिव शेडो आई है, तो ऐसा वापस उस चीज़ों में पढ़ना ही क्यों है। ना भी ट्वीट पढ़ के समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर वो गोल्डी मैन स्काउट के ऑनर बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर वो जो फक हेटर्स नाम का बंदा था उसके बारे में कुछ भी बात नहीं करी। इसे लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं एंड बाकी दो लोगों को नहीं। तो इसका रिप्लाई करते हुए लिखा था कि उनका जो पिछला ट्वीट था वो किसी भी तरह से सपोर्ट एक्सटेंड नहीं कर रहा था फक हेटर्स नाम के बंदे को, जो भी उसने चीज़ें करी है या फिर उसने पास्ट में जो चीज़ें करी उसको भी वो सपोर्ट नहीं करते। उनको पता है कि उसने पास्ट में क्या चीज़ें करी है, लेकिन उनका कहना है कि हमको इतना समझदार होना चाहिए कि हमको समझ आए कि हम कौन से वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं एंड कोई भी अननेसेसरी टाइप की हेट क्रिएट करना हमको अवॉइड करना चाहिए। मतलब ऐसे टाइप का उनका रिप्लाई था। एंड जो उनका पहला ट्वीट था ना कि मतलब दो ऑर्गोनर्स या फाउंडर्स अब्यूज़ कर रहे हैं स्पेस के अंदर, तो इसमें ट्रोल बैक करते हुए सेड ने उनको रिप्लाई करते हुए लिखा था, जिस पर उन्होंने लिखा था UPI देना 22 लाख भेजना है। एंड बेसिकली सेड का वापस ट्रोल था वो बायोट वाली चीज़ के ऊपर। एंड एट लास्ट जो RG के ओनर है उन्होंने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा कि कंटेक्स्ट कुछ भी हो, गाली बकना सही तरीका नहीं है, अगर आपको वो बंदा पसंद नहीं आ रहा है तो उसको म्यूट कर दो या फिर उसको स्पेस के बाहर निकाल दो, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करना आंसर नहीं है उस चीज़ का। एंड उन्होंने ये लिखा कि अभी भी बहुत इज्जत करते गोल्डी भाई की एंड गोल्डी भाई के लिए उनके पास सिर्फ अच्छी चीजें ही है। एंड एट लास्ट उन्होंने लिखा दैट्स ऑल फ्रॉम मी, रेशो मत करो यार। एंड हाँ, एक और रिप्लाई था इस पूरे मैटर के ऊपर, वो भी आपको बता देता हूँ। तो आप में से बहुत लोग अर्श को जानते होंगे, SSM रह चुके हैं पहले, तो उन्होंने भी इस पूरे मैटर पे एक ट्वीट करा था जिसके अंदर लिखा था कि जो भी लोग 2022 से ट्विटर के ऊपर है उनको पता है कि फक हेटर्स ने क्या क्या चीज़ें करी है। एंड उन्होंने आगे लिखा, ही वॉज द वन दैट प्रमोटेड माई फोटो ओवर अ सिंपल बैंटर, स्काउट एंड गोल्डी भाई डिड द राइट थिंग, बस वो थोड़ा फ्लो में बह गए। इसी पर रिप्लाई करते हुए जो RG के उन्होंने लिखा था WTK, मतलब इस पर RG के ओनर का कहना था कि हाँ कहना तो सही है, मतलब RG के ओनर का भी ऐसे कहना था कि जो स्काउट एंड गोल्डी भाई उन्होंने चीज़ें तो सही करी, बस वो फ्लो में बह गए। अब देखो ये जो पूरा मैटर हुआ उसके अंदर कौन सही है कौन गलत, वो आप मेरे को कमेंट में बताना, लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी कि किसी को हेट मत देना, अपने ओपिनियंस बताना प्लीज़, वरना हेट कमेंट दोगे तो मुझे डिलीट वगैरह करना पड़ जाएगा। वीडियो को अपन आगे बढ़ा लेते, अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर जोकर के बारे में। तो IQSOL के जब जोकर लाइव आए थे तो बात कहते TX के बारे में, क्या वो सोल को लीव कर रहे क्या इसके बारे में, इसी के साथ रॉनी भी बात करते निंजा जॉट के बारे में कि क्या वो सोल ज्वाइन कर रहे क्या, तो ये जो दोनों रिप्लाई थे वो भी आप देख लो। क्या करना है बताएं, लॉबी में कैरी होने के लिए आ गए हैं लायबिलिटी, कर दिया कर दिया कर दिया, खेलो M4 ही M4 सिर्फ M4 है क्या, हां बस चलो ठीक है सर, क्योंकि जाने तो भाई नहीं बताएगा क्या कुछ भी बोल रहे हो भाई, आप फालतू में स्पैम कर रहे हो। जोकर और व्हाट IQSOL जोकर और व्हाट भाई, इस जोकर लिविंग बाजी, नो ब्रदर नो वन इज लिविंग बाजी, यार निंजा खेल रहा था ना सोल में, अरे नहीं खेल रहा कोई हमारे साथ, हमारी OG लाइनअप ही खेल रही है। एंड अपन बात करते टीम जी के बारे में, तो काइलो जब लाइव आए थे तो वो बात करते टीम जी में क्या वो रहने वाले आगे क्या, एंड स्काउट भी इसी बारे में बात कर रहे थे, तो उनको जो रिप्लाई था वो भी आप देख लो। फ्यूचर टीजर से ही कंटिन्यू करोगे क्या, फ्यूचर के प्लान ऐसा है कि भाई देखो BMPS पे सब डिपेंड करता है, BMPS अच्छा गया तो मे बी टीजर की सेम लाइनअप रहे, BMPS अच्छा नहीं गया तो चेंजेस देखोगे ऑब्वियसली। अब वो टीम में ऐसा रहेगा कि स्काउट भाई कहीं और से खेले, मैं कहीं और से खेलूं, जैक्सन कहीं और से खेले, सैयद कहीं और से खेले, या कोई कहीं से भी खेले, ऐसी चेंज भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कोई टीसेट कंटिन्यू करे, कुछ भी हो सकता है यार, यू नेवर नो ब्रो। दक्ष अपने घर का ढूंढा यार, मैं आपको बता रहा हूँ हमारे यहाँ से कोई बकचोदी नहीं करता है, हमारे तो फैमिली मतलब फैमिली है। दक्ष कुछ दिनों में आ जाएगा, अभी घर पे आने वाला था कुछ दिनों में, अभी थोड़ा सा एक कितना 6-7 महीने से घर पे था, मतलब यहाँ पे था, वो घर गया है, घर वालों से मिलेगा। अभी इस टूर्नामेंट में ब्रेक लिया, ही विल वर्क ऑन हिमसेल्फ, क्योंकि जब आप लोगों ने भी देखा बहुत सारी चीज़ें लेफ्ट राइट हो रही थी, बट हाँ दक्ष अपने पे
वर्क कर रहा है अभी फिलहाल। एंड टॉकिंग अबाउट टीम जी, वैक्सी जब लाइव आए थे तो बात कहते कि उन्होंने टीम जी ज्वाइन कैसे करी एंड उन्होंने पिछले टूर्नामेंट किस किस टीम से खेले थे इसके बारे में वो बात कर रहे थे, तो उनका रिप्लाई भी आप देख लो। खेल रहे थे भाई, मैंने BGIS खेला था ब्रॉलर से, उसके बाद BGMS खेला था दूसरी टीम से, वो उसका कुछ ऐसा नाम नहीं था, जस्ट हम लोग खेल रहे थे, पार्टिसिपेशन हमको करना था और मतलब बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट ट्राई किया हमने, बट हम क्वालिफाई नहीं हुए थे लैन के लिए, तो इसीलिए आप लोगों को मैं दिखा नहीं था खेलते। वैक्सी, हाउ डिड यू रीच आउट टू स्काउट? भाई देखो, मैं BMPS के लिए मैंने उससे बात करी कि BMPS का क्या सीन चल रहा है, मतलब कहाँ से खेलने वाला है वो एंड ऑल, तो उसने मेरे को क्लियरली बताया क्या क्या सीन है और हमने बात करी और एक टीम बना ली साथ में। एंड एट लास्ट उन बात कर लेते नियो के बारे में, तो नियो जब लाइव आए थे तो वो बात कर रहे थे कि क्या वो एज अ कोच कमबैक कर सकते हैं क्या BMPS के अंदर, तो उनका जो रिप्लाई था वो भी आप देख लो। सिनेरियो देखो, ई-स्पोर्ट सिनेरियो से तो कभी बाहर नहीं जाऊंगा मैं, मेरा तो मन कर रहा है कोई टीम को कोच ही कर दूं, कोच ही कह दे, बताओ कोच ही कह दे यार, कर सकता हो यार कोच, क्या बोलते हो, मन तो करता है कोच कर, मुझे लग रहा है कि शायद अगर थोड़ा फटती तो है, तो हो सकता है, डर तो है कि कैसे कोच कर सकता हूँ, कोच कम कह सकते हो, कोच हाँ कोच काइंड ऑफ दांव पे लगा है ये 10 लाख भाई, बट कोच का भी मतलब रोल तो है क्या बोलते हो मेरे। एंड हाँ, एक और चीज आपको बता दूं कि जब रॉबिन लाइव थे तो लोग उनको बोल रहे थे कि गॉडलाइक के अंदर सेमी कोई नया प्लेयर आ रहा है क्या, तो इसका रिप्लाई करते उन्होंने बताया था कि मुझे नहीं पता नया प्लेयर आ रहा है या फिर नहीं, एडमिन ने उनको सिर्फ ये बोला था कि एक अंडरडॉग प्लेयर है जो खेल रहा है ना, बाकी चीजें पता नहीं, अब देखते क्या होता है। एंड इस पर आपको क्या कहना है आप कमेंट करके बताना। अपनी आज की वीडियो कर लेते हैं पर खत्म, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।